हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। क्या मैसेजेस हैं अभी आपके पर्सन के आपके लिए? अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनके बारे में सोचिए। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स? और कोई मैसेज है? बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन हिज और हर लाइफ। ओके, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको सभी मैसेजेस बताऊंगी। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। सो पहला मैसेज जो यहाँ पर है वो ये है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना याद आपको आती है ना, उतनी याद इनको भी आती है। जब भी आँखें बंद करती हैं या बंद करते हैं, इनके मन में, इनके सबकॉन्शियस माइंड पर सिर्फ आपका अधिकार है। सो आप इनके ड्रीम्स में भी आते हो, आप इनके माइंड पर छाए हुए हो। इनका सिक्स सेंस, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है हमेशा कि आपकी एनर्जी किस तरीके की होगी, आप किस एनर्जी में हो, आप खुश हो, दुखी हो, ऐसा इनको फील होता है। तो ये चीज़ें ये आपसे खुद शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। सेकंड मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये बहुत कंफ्यूज हैं कि ये क्या करें। हो सकता है एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ और अदर सिचुएशंस हैं। अदर सिचुएशंस में इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या कोई पास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डायलेमा वाली सिचुएशन है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। प्लानिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत वीक है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ प्लान करना तो चाहते हैं बट प्लानिंग हो नहीं पा रही इनकी। और ये आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन जब बात आएगी कमिटमेंट की, ये कहेंगे कि पेशेंस रखो, अभी टाइम लगेगा, या अभी मैंने कमिटमेंट को लेकर कुछ नहीं सोचा है। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनको किसी तरह का हाइक मिला है, मतलब इनकी ग्रोथ हुई है इनके प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही साथ ये आपको अपने बारे में कुछ, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ प्लानिंग करके बताने वाले हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं विदेश जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं ऐसी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ, या एजुकेशन पूरी हो गई, अब मैं इस सेक्टर में ट्राई करना चाहता हूँ, या मैंने फॉर्म्स भरे हुए हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं आपके पर्सन ये सब कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग सेम कॉलेज से पढ़े हो, या सेम फील्ड से रहे हो, या सेम ऑफिस में कलीग्स रहे हो, तो ये आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये वाइब्रेशंस हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रही हैं या बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर की एनर्जी है, या तो इनकी फैमिली घर पे है या ये कहीं और हैं। तो ये आपको, अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो तो हो सकता है ये बोले बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिज़ी हूँ, या अभी मैं यहाँ हूँ, या अभी मैं वहाँ हूँ। इस तरह की भी कोई कन्वर्सेशन कुछ लोगों की हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में जो कुछ भी था सब डिस्कस कर लिया है, किसी न किसी बंदे से डिस्कस कर लिया, या तो अपने फादर से, या मदर से, या भाई से, या भाभी से, किसी न किसी को इन्होंने सब कुछ बता रखा है। और वो लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये एनर्जी है, उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खुश हैं, हैप्पी एनर्जी है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि इनको बस एक ही चीज़ का डर है कि इनकी इमेज पर कोई बात ना आ जाए, या इनकी फैमिली के इमेज पर कोई बात ना आ जाए। हो सकता है आपके पर्सन पब्लिक इमेज हो, हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर कोई पब्लिक इमेज हो, ये नहीं चाहते कि इनकी गलतियों की वजह से कोई भी ऐसी फैमिली पर बात आ जाए। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है या थी या था,
उसकी तरफ से इनको बहुत परेशान किया जा रहा है, या तो कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, या तो कोई ब्लैकमेलिंग वाला सिचुएशन है, ब्रेन वॉश करना, ब्लैकमेल करना चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बहुत सारा बवाल है। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, लेकिन ये आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कोई ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये आपसे खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे, इस तरह की वाइब्रेशन है। बट इन्होंने कोई निर्णय लिया है और वो निर्णय है एक बड़े चेंज का, एक बड़े शिफ्ट का, और ये जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज होगा, कुछ बड़ा निर्णय, बिकॉज वी हैव जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून टुगेदर। सो आने वाले टाइम में, स्पेशली ये रीडिंग देखने के बाद 2 to 3 days के अंदर आपको नोटिस करना होगा कि आपकी लव लाइफ में कैसा चेंज आया है, क्या ये चेंज बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। होप आपको इन मैसेजेस में से गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।